नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टारगेज 11 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले खाना नंबर 8 के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहते हैं। आठवें घर में मंगल अधिक अनुकूल फल नहीं देता। गुप्त विद्या का भी घर आठवां ही होता है। आठवें घर को मौत का घर भी कहा गया है। सर्च का भी घर आठवां ही होता है। मंगल हमारे कांटेक्ट होता है। आठवां घर शनि का होता है और मंगल बुध का भी होता है। जब मंगल खाना नंबर 8 में हो तो खाना नंबर 1, 3, 7, 8 और खाना नंबर 10 भी देखना ज़रूरी हो जाता है। मंगल 8 वाला व्यक्ति मेहनती होता है। इसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। मंगल 8 वाला अपने दुश्मनों के हमले को रोकने का सामर्थ्य रखता है। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं क्योंकि आठवां घर शनि का भी होता है और शनि हमेशा न्याय करता है। मंगल 8 वाला व्यक्ति अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का भी पीछे नहीं हटता। आठवें घर को अगर चंद्रमा की हेल्प मिले तो मंगल 8 वाले के कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं। मंगल 8 वाले को घर में अंधेरी कोठरी ज़रूर रखनी चाहिए, यानी कि घर में जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ से घर का जो सबसे लास्ट कमरा हो वहाँ अंधेरा रखें तो मंगल 8वें वाले को कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लाइफ में स्ट्रगल भी कम हो जाता है और कुंडली में मंगल अगर नेक हो तो वह केतु की तरह बिहेव करता है और अगर मंगल बद हो तो वह राहु की तरह बिहेव करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी कुंडली में खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो व्यक्ति मंगलिक होता है। अगर मंगल खाना नंबर 8 में हो और कुंडली में दूसरा घर खाली हो तो मंगल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मंगल 8 वाले व्यक्ति को अपनी जुबान के पक्के होते हैं। जो वो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। इनका दुश्मन ताकतवर हो या कमज़ोर, ये मुकाबला ज़रूर करते हैं। ये लोग कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते, सीधे और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। अगर खाना नंबर 6 में बुध हो और खाना नंबर 8 में मंगल हो तो मदर की एज कम हो सकती है। मंगल 8 में हो और सूर्य बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 1, 3, 4 या 8 में हो तो भी मंगल बुरा फल नहीं देता। मंगल 8 वाले का भाई अगर होता है तो वो भी 8 साल के बाद ही पैदा होता है। मंगल 8 वाला अपनी मदर के लिए अशुभ नहीं होता। आठवें घर में मंगल हो तो शरीर में फोड़े फुंसी या घाव की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। मंगल 8 वालों को आग से और चोरी की वजह से धन की हानि भी हो सकती है। मंगल 8 के समय शादी या तो जल्दी हो जाती है या बहुत देर से होती है। जीवन साथी के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं होते। मंगल 8 वालों को ही मधुर संबंध बनाने के लिए अहम रोल निभाना पड़ता है। मंगल 8 से चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि छोटे भाई और बड़े भाई को देखती है, जिससे मंगल 8 वाला हमेशा उनकी हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी इनके खुद के भाई भी इनके दुश्मन बन जाते हैं। अगर मंगल मेष या वृश्चिक लग्न की कुंडली में खाना नंबर 8 में हो तो व्यक्ति हिंसा करने वाला भी हो सकता है। पितृदोष का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। लाइफ पार्टनर की आयु का विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। अष्टम भाव या अष्टमेश का लाभ भाव से संबंध अचानक से धन प्राप्ति को भी दिखाता है। आठवां मंगल हेल्थ की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, पर आर्थिक रूप से योग ये अच्छा होता है। मंगल 8 वाले की वाणी में कड़वाहट हो सकती है। मंगल 8 वाले का लाइफ पार्टनर असाधारण होता है। जब तक कोई प्लैनेट का आपकी लाइफ में बैड
इफ़ेक्ट ना दिखे तो आपको उस प्लैनेट की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। मंगल 8 वाले व्यक्ति को अपने आसपास रहने वाली विडो से ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए, उसका श्राप भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। अगर मंगल 8 वाला ऐसा करता है और उससे श्राप ले लेता है, उसका अपमान कर देता है, तो लाइफ में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। धन की कमी से बचने के लिए चांदी की चेन में चांदी का स्क्वायर टुकड़ा गले में पहने। अगर हेल्थ इशू हो तो मिट्टी के तवे या तंदूर पर शक्कर की रोटी बनाकर कुत्तों को खिलाएं। मंगल 8 वाले को चाहिए कि बरगद की पेड़ की जड़ में कच्चे दूध में चीनी डालकर बरगद के पेड़ में डालें और उस मिट्टी को अपने माथे पर 43 दिन तक लगातार लगाएं। मंगल 8 वाले को कभी भी किसी के मामले में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और मन से भी किसी का ना तो अच्छा सोचे और ना ही उसके बारे में बुरा। कभी भी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। शमशान घाट में शिव मंदिर जाकर शिव जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा की पुस्तकें बांटने से भी इनको लाभ मिलता है। लाल रुमाल अपने पास रखें। मंगल 8 वाले को ज़मीन पर बैठकर भोजन खाना चाहिए। मंगल 8 वाले को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सबसे प्रेम से और मीठा बोलना चाहिए। ऐसा करके उसको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।